सभी को सादर जय श्री राम। साथियों, आज सुंदरकांड का अंतिम प्रसंग हनुमान द्वारा सीता का संदेश देना। समस्त वृत्तांत सुनने के पश्चात सुग्रीव सभी आगत वानरों सहित विचित्र कानों से सुशोभित प्रस्थवन पर्वत पर श्री राम जी के पास गए। करबद्ध हनुमान ने रामचंद्र जी को सीता जी का समाचार देते हुए विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, रावण ने जानकी को क्रूर राक्षसियों के पहरे में रख छोड़ा है और उन्हें नित्य नई नई विधियों से त्रास देती हैं और उनका अपमान करती हैं। यह सब कुछ मैंने स्वयं देखा है। वे केवल आपके दर्शनों की आशा पर ही जीवित रहकर यह दुख और अपमान सहन कर रही हैं। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सदा भयभीत रहती हैं। इतना कहकर हनुमान ने सीता द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को देते हुए कहा, हे नाथ, मैंने उन्हें आपका संदेश सुनाकर आपकी मुद्रिका दे दी थी। उन्होंने यह अपनी निशानी आपको देने के लिए दी है। सीता का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उठकर पवनसुत को अपने हृदय से लगा लिया। वे बोले, अंजनी कुमार, सीता का संदेश मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। उसे सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राम का आदेश पाकर हनुमान कहने लगे, हे राघव, वे दिन रात आपका ही स्मरण करती रहती हैं। उनके नेत्रों के समक्ष केवल आपकी छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 मास की अवधि दी है। इस अवधि में आप मुझे उसके हाथों से अवश्य मुक्त करा लें। यदि इन 2 मासों में आप मुझे मुक्त ना करा सके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोकों को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं और आपकी अपूर्व क्षमता मुझे अटल विश्वास है। रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। अतएव शीघ्र आकर इस दासी को बंधन से मुक्त कराइए। पवनसुत की बात सुनकर तथा दिव्य चूड़ामणि को देखकर श्री रामचंद्र शोक सागर में डूब गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। फिर कुछ समय संयम रखकर वे सुग्रीव से बोले, हे वानर राज, जिस प्रकार दिन भर की बिछड़ी हुई कपिला गौ अपने बछड़े की आहट पाकर उससे मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार इस दिव्य मणि को पाकर मेरा मन सीता से मिलने के लिए अधीर होता है। उसकी कष्ट की गाथाओं को सुनकर मेरा हृदय और भी विचलित हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि सीता 1 मास भी रावण से अपनी रक्षा करती हुई जीवित रह सकी तो मैं उससे अवश्य बचा लूंगा। मैं उसके बिना अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे शीघ्र लंका ले चलने की व्यवस्था करो। अपनी सेना को तत्काल तैयार होने की आज्ञा दो। अब मेरे वाण रावण के प्राण लेने के लिए तरकस में अकुला रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं है। जानकी और सारा संसार रावण को सपरिवार मेरे बाणों के रथ पर बैठकर यमलोक को जाता देखेगा। साथियों, आज सुंदरकांड का अंतिम प्रसंग था। अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय जय श्री राम।